स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ पहला चैप्टर का MCQ, मतलब अब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू आज से। सोशल साइंस और साइंस का भी क्वेश्चन देना शुरू कर दिए हैं, मैथ का भी आज से शुरू, मतलब एकदम सुपर फास्ट रिवीजन। ऐसा रिवीजन करेंगे जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा, पहले MCQ करेंगे हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा लॉन्ग, फिर थोड़ा लॉन्ग, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो लगातार अब मिलता रहेगा एग्ज़ाम्स को लेकर के। और उधर जो कुछ कुछ चैप्टर जो छूटा हुआ था, 10 चैप्टर हो गया या 6 हो गया, ऐसे एक आध दो चैप्टर उधर 14-15, तो वो सब चैप्टर को भी इसी में लपेट देंगे, है ना। अभी उसको छोड़ दीजिए, रिवीजन में ही आसान आसान, उधर 14-15 तक बहुत ही आसान चैप्टर है, रिवीजन में ही उसको कर देंगे, ठीक है। अलग से उसको टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, एक ही बार में वो हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर का नाम है, पूरा MCQ जितना भी MCQ यहाँ से बन सकता है आज कंप्लीट कर देंगे, 40 MCQ देखेंगे इसका, ठीक है। आपको साइड में क्वेश्चन दिखाते चलेंगे, इधर समझाते चलेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रही। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो कि दिख रहा होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 140 ही रहेगा, 255 रह सकता है, 250 रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बस लिखा हो रहेगा अभाज्य गुणनखंड करिए। तो क्या करना है, कैसे करना है, सीख लीजिए ताकि कोई भी नंबर यहाँ पे रहे तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना, इस तरह से गुणनखंड करते हैं, ये तो मालूम होगा, पहाड़ा पढ़ते जाना, जैसे भाग देते हैं बस वैसे ही। 14 किसका पहाड़ा माता है, 2 का, तो लिखेंगे 2 7 14, एक 0 है तो 0 लगा देना है, फिर 2 का पहाड़ा में हो जाएगा ये, 2 3 6, 11 10 हुआ, 2 5 10, 3 का पहाड़ा में होगा, 3 3 5 का पहाड़ा में, 5 7 35, इस तरह से गुणनखंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबको लिख देना है, 2 × 2 × 3 × 7, और जो 2 बार आया या 3 बार आया इसको पावर में लिख देना है, 2 2 बार आए तो 2 का पावर 2, 3 तो एक ही बार है तो एक ही बार रहेगा, 7 भी एक ही बार है तो एक ही बार रहेगा, हो गया आंसर। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है, लेकिन चूंकि MCQ में वहाँ तक टिक लगाना, ऐसा गोल कर देना ऐसा, तो इतना लंबा करते नहीं रहना है, ये स्टेप इतना लंबा नहीं करना है, बस ये करिए, देखिए 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2, 3 1 बार है तो 3 × 7, ऐसा ऑप्शन देखिए कि जहाँ पे मिले लगा देना है, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका भी बताते चलेंगे, जो शॉर्ट में हो सकता है उसको शॉर्ट में करेंगे, कहे कि MCQ मतलब है कि खाली आंसर, अब खाली आंसर पूछ रहा है तो उसमें हम पूरा इतिहास कहे जानेंगे, इतिहास जानेंगे कब, जब लिखने वाला क्वेश्चन रहे ना, तो लिखने वाला में इतिहास जानबे करेंगे, चैप्टर पढ़े हैं उसमें पूरा तो विस्तार से पढ़ाया ही है, पूरा थ्योरी के साथ पढ़ाएं, लेकिन अगर MCQ आए तो उतना टाइम बर्बाद नहीं करना है, शॉर्ट में काम करना है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, और एक दो क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं। एक ये टाइप हुआ है ना, एक टाइप ये हुआ है जिसमें, और एक आध देख लेते हैं, जैसे 156 है, 156 का निकालना है फटाफट करके, देखिए 2 2 7 14 11 16 हुआ, 2 8 16, फिर 200 होगा, 2 3 6, 2 2 9 18, फिर 300 होगा, 3 1 3 3 3 9, फिर 13 1 13, तो देखिए 2 2 बार आए, मैंने 2 का पावर 2 × 3 और 1 13, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है इसी का, इसी टाइप का, तो 120 है, 120 का भी वैसे कर देना है, 200 होगा, 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, तो 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3 और फिर 3 × 5, ठीक है, आंसर हो गया। लाइव टेस्ट लेंगे एक बार, इसलिए स्पीड से रिवीजन करा दे रहे हैं, कहे कि अचानक ले लेंगे तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है, MCQ का। तो चलिए, ये हो गया, उसके बाद एक टाइप हो गया, समझ में आ गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, जैसे है ये 38 250,
38-25 है ना, 38-25 इसका करना है। तो ये लास्ट में जीरो या पाँच रहे, लास्ट में जीरो या पाँच रहे तो याद रखिएगा पाँच से वो कट जाएगा, ठीक है। तो पाँच है तो पाँच से कट जाएगा, 5 7 35 36 37 38 तीन बज गया, 3 जा करके यहाँ 32 हो जाएगा, 5 6 36 दो गया 5 5 25, फिर 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 1 5 दो गया 26 को, 5 5 25 26, 1 बचे 5 3 15। अब कितना से होगा, 5 3 8 8 1 9, तीनों को जोड़ने से 9 आ रहा है और 9 3 का पहाड़ा माता है तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटने का यही तरीका है कि सबको जोड़ दो, तो 3 5 8 और 1 9, 9 आ गया 3 का पहाड़ा माता की कट जाएगा, 3 5 15 3 1 3, फिर 5 4 1 6 होता है, 6 3 का पहाड़ा माता है, मतलब ये भी कट जाएगा 3 से, 3 1 3 3 7 21। अब 17 किसी पहाड़ में नहीं आता तो छोड़ देंगे, 5 2 बार है तो 5 का पावर 2 लिखेंगे, या पहले छोटा से लिखिए छोटा, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, 5 2 बार है तो 2 × 17 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप वो बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर अगर क्वेश्चन कर दे, इसी को पलटा क्वेश्चन कर दे, यानी ये क्वेश्चन बना दे, बोलेगा इसका मतलब इसका कितना आएगा, ये किसका बात गुणन करना है, तो इसका तो कैसे यहाँ से ऊपर कैसे बढ़ेंगे, तो क्या कर देंगे बस गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 का मान क्या होगा, अब आज गुणनखंड इसका मान क्या होगा, तो देखिए गुणा कर देना बस, 3 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 पता नहीं, तो 24 लिखो गुना 3 3 4 12 3 2 6 और 1 7 24 3 72 हो गया, कोई दिक्कत नहीं इस तरह का क्वेश्चन में। जैसे और एक एग्जांपल इस तरह का ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन अगला वाला, ये 3 4 5 2 है और 1 3, फिर से वही गुणा कर देना, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, यहाँ तक आया 32 गुणा 3, तो 3 2 6 3 3 9 96 हो गया आंसर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे अगला टाइप देखेंगे फटाफट क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालने का रहे तो क्या करेंगे, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ एचसीएफ निकालने का दो तरीका है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और एक भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो ये दोनों को भाग कर दे, दोनों को काट दे, ठीक है। तो सबसे आसान हमको लगता है भाग विधि है, या एक गुणनखंड विधि से भी बना सकते, साथ है एक के साथ ऐसे गुणनखंड कर देना है, ऐसा और जब तक दोनों काटते रहे तब तक काटिए और जो आएगा वही हो जाएगा, इससे शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, जब तक दोनों काटे तब तक काटना है, अकेले नहीं है ना, जब तक दोनों काटे तब तक काटिए और जब खत्म हो जाए किस्सा खत्म कीजिए, तो चलिए एस सी एफ दोनों जब तक कटेगा काटते रहना है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ 6 है, यहाँ 2 4 है, तो 2 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, काटिए 2 2 4 8 1 2 8 16 2 2 4 2 0 0 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 4 2 6 8 2 1 2 2 0 0 2 1 2, अब 1 और 1 2 यहाँ 24 24 2 का पहाड़ा में कटेगा, 3 का भी पहाड़ा में पड़ेगा कटेगा लेकिन वो नहीं कटेगा, तो हमको लगता है काम खत्म, ये कट रहा लेकिन वो किसी से नहीं कटने जैसा है, 7 से कटेगा 7 का 7 8 9 10 नहीं कटेगा, अगर 7 से कट भी जाता 3 नहीं कटेगा, मतलब दोनों नहीं कट रहा है तो किस्सा खत्म, जितना तक में दोनों कटाती ई दोनों में दोनों कटाती, यही हो गया एस सी एफ, एस सी एफ बराबर 2 × 2 2 × 2 यानी कि 4, बस जब तक दोनों कटेगा तब तक काटना है, जब बंद हो गया कटना तो इधर जो है वही हो गया एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये गुणनखंड विधि से निकाल दिए, इसी तरह और भी एच सी एफ है, सभी विधि दिखाएंगे लेकिन गुणनखंड विधि से ही अभी करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक है तो 2691 यह ना, हाँ इसको भी वही विधि से कर देते हैं, देखिए क्या 13 का पहाड़ा में 26 आएगा, ये भी 13 का पहाड़ा में आएगा, तो 13 2 6 26 13 7 91, उसके बाद 2 और 7 आ गया, तो कोई एक कोई नंबर से दोनों तो नहीं कटेगा, तो किसे खत्म, यहाँ पे ये जो है वही आंसर हो गया एस सी एफ, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 26
91 का एलसीएम अगर निकालना, एलसीएम तो एलसीएम विधि से यही तरीका से एलसीएम निकाल दे रहे हैं। देखिए कैसे एलसीएम निकालना है, सेम इसी तरीका से, थोड़ा सा खाली कन्फ्यूज नहीं होगा, थोड़ा सा देखिए क्या करना, थोड़ा अलग है। 13 दूनी 26, 13 से 91। एचसीएफ में क्या हुआ कि ये एचसीएफ था, दोनों अलग अलग आ गया, तो छोड़ देंगे यहीं पर, है ना। दोनों कटेगा तब तक काटते रहना है, दोनों जब तक कटेगा, दो है तो दोनों या तीन है तो तीनों, जब तक कटेगा काटते रहना है, और जब कटना ख़त्म तो यहाँ जो रहेगा वो एच सी एफ। लेकिन एल सी एम में क्या करना है, जब कटना ख़त्म हो गया, अब तो ये दोनों किसी दूसरे पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो एल सी एम में तीनों को गुणा कर देना है। एच सी एफ में देखो खाली यहाँ वाला लिखते थे, खाली यहाँ वाला लिखते थे, इसको छोड़ देते थे, लेकिन एल सी एम में क्या करना है, एल सी एम में 13 तो लिखाएगा ही, उसके साथ साथ 2 और 7 भी गुना होगा, 2 और 7 भी, तो 13 दुनी हो जाएगा 26 गुणा 7, 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 दुनी 14 और 4 18, 182 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये रहा एलसीएम। 10 नंबर क्वेश्चन, 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। तो वही एक तरीका जो बताएं था वही तरीका से करिए, या भाग विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही तरीका से करते हैं। 2 से कटेगा दोनों, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, 1 2 6 12। अब 2 से तो नहीं कटेगा, ये तो 2 ही आंसर हो जाएगा लगता है। 2 4 8, 2 6 12। अब ये 2 से कटेगा लेकिन ये तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे तो 5 5 10 2 12, ये 3 से कटेगा लेकिन 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा ये। 4 से कटेगा, 4 से लास्ट में 5 6, तो कैसे कटेगा, कट भी नहीं करेगा। 4 5 20, 4 6 24, नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा वो नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तो दोनों का दोनों नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से किसी से नहीं कटने वाला है, किसी से नहीं कटने वाला है दोनों, मतलब एचसीएफ हो गया 2। बस जब तक दोनों कटेगा तब तक काटने का, और जब कटना बंद हो गया तो एचसीएफ लिख देना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन था, 10 नंबर था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है 6 और 20। अब देखिए यही वाला को अगर भाग विधि से बनाते तो बहुत लंबा जाना पड़ता, भाग विधि से बनाने में बहुत लंबा जाना पड़ता, तब 2 आता है ना, बहुत लंबा होगा, तो उतना लंबा नहीं करना है हमको, टिक लगाने से मतलब है। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम इसका है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यही विधि सबसे आसान विधि, 2 3 6, 2 2 20, और ये 3 ये 10, तो दोनों तो नहीं कटेगा किसी एक पहाड़ा से, तो इसको भी छोड़ दो यहाँ। लेकिन एलसीएम में क्या बोले, 3 गुना 10 3 30 2 60 आंसर, 10 3 30 2 60 सब गुना हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में, और एचसीएफ में ये खाली 2 हो जाता। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 15 21, इसका एचसीएफ। ठीक है, तो इसका भी वही एक के साथ कर देते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। देखिए तीनों है, 1 2 3, तो तीनों कटेगा तब तक काटना है, एक भी अगर नहीं कटा तो छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए तीनों का तीनों अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया एचसीएफ बराबर 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यू एचसीएफ समझ में आ गया होगा, एलसीएम एचसीएफ सब समझ में आ गया होगा। 6 और 20 का एलसीएम बराबर, तो 6 और 20 एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम तो देखिए 2 3 6, 2 2 20। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो एचसीएफ में तो एलसीएम तभी था, बिलो वो तब एचसीएफ था, 11 नंबर में HCF था ना, 11 नंबर में HCF था, तो 11 नंबर में HCF था, तो HCF कौन हो जाएगा, 2, जिससे दोनों कटा है, 2 से दोनों कटा है, तो HCF 2 हो गया। लेकिन LCM अगर रहे तो सब गुणा हो जाएगा, ये सब 10 3 30 2 60 60 हो गया LCM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, होना चाहिए। अब थोड़ा स्पीड से 1 2 क्वेश्चन हैं और उसको भी कर देते हैं। एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ तो तीनों कैसे करके, 2 से कटेगा तीनों, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 0 0, जब तक तीनों कटेगा तब तक काटना है, 3 गो है तो तीनों कटना चाहिए, तो 3 से देखो तीनों कटेगा, 3 का 3, 3 का 3, 3 2 6, फिर 3 2 6, 3 0 0, तीनों कटा। अब देखिए 2 से ये दोनों कटेगा लेकिन ये तो 1 बच गया है, ये तो नहीं कटेगा अब किसी से, तो ख़त्म कहानी वहीं पे कर दो। एचसीएफ इधर जो है 2 और 3 है, तो 2 3 6 हो गया एचसीएफ बस। 15 नंबर क्वेश्चन, 8 9 25, इसका लसन निकालना है। लसन तो ऐसे लसन निकालते हैं, चलिए कोई नहीं कटेगा,
कम से कम 2 योग कटे तो काटते रहना है लसा में, लसा में क्या करना है काटते रहना है, कम से कम 2 योग कटे तो, अरे एकदम ही कोई नहीं कटे तो गुणा कर दो ना, लेकिन इसमें तीनों तीन गो है तो तीनों कटे तब काटना है तब आगे बढ़ना है, नहीं तो वही आंसर। अब इसमें है कि दो अगर तीन गो है ना तीन गो तो तीनों में से अगर 2 गो भी कटता ना तो काटते हैं, लेकिन यहाँ 2 गो भी नहीं कटे, या 8 है 9 है 25 है, कोई पहाड़ा में ऐसा ये दो तीनों में से 2 गो नहीं आता है कोई पहाड़ा में, नहीं तो क्या करना है गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करने जानते हो, गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा नहीं करते रहेंगे चाहे आप कुछ हो कहिए। ठीक, 12 15 21 इसका एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम निकालना है एलसीएम। ठीक है, लेकिन तीनों कटना चाहिए, तीन से कटेगा, 3 चौके 12 3 5 15 3 7 21। ठीक है, अगर एच सी एफ कहता हाईएस्ट कॉमन तो ये हो गया, कहे का अब ये तीनों किसी से नहीं कटेगा तो ये एच सी एफ, लेकिन बोला एलसीएम तो एलसीएम मैंने सबको गुणा करना होगा, 3 4 5 7 7 5 35 इधर हो गया, इधर हो गया 4 3 12 तो 12 5 60 और 12 3 36 और 6 42 420 हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन में, अब ध्यान से देखिए इसको समझिए, एच सी एफ, एच सी एफ है 306 650, ये दोनों का 657 एच सी एफ इतना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता था, अब कर दिया जो मैं 1 नंबर में, ये 306 और 657 का एच सी एफ, देखिए एच सी एफ दिया हुआ ना एल सी एम निकालना है। ठीक है, तो जब भी किसी का एच सी एफ दिया हुआ है, कोई संख्या का एच सी एफ दिया हुआ है एल सी एम निकालना हो तो एक फॉर्मूला बताए थे, एल सी एम गुना एच सी एफ, एल सी एम गुना एच सी एफ बराबर होता है दोनों संख्या का गुना, दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, दोनों संख्याओं गुणा, तो एलसीएम एचसीएफ, देखिए एचसीएफ कितना है 9, तो 9 लिख देंगे, एलसीएम निकालना है तो छोड़ देंगे, गुणा बराबर दोनों संख्या, दोनों संख्या वो 306 गुणा 657, दोनों संख्या को गुणा कर दिए, 9 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग होगा, 306 गुना 657 बटा 9, अब काट दो इसको, 3 3 9 3 1 3 3 0 0 3 2 6, फिर कटेगा 3 3 9 1 3 4 12 हो गया। अभी दोनों को गुना कर दो, गुना करने आता होगा 34 को 657 से गुना करो, जो गुना करने से जो आएगा वही हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से उम्मीद है समझ में पूरा आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर, 18 नंबर में भी एच सी एफ ऐसे ही दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। देखिए एच सी एफ, एच सी एफ दिया हुआ है 26 और 91 का, 26 91 का एच सी एफ दिया हुआ है 13, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसी का। ठीक है, 26 91 का, तो वही करना है, एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर होता है दोनों संख्या का गुना, तो दोनों संख्या है वो 26 है वो 91 है, तो एलसीएम निकालना है तो छोड़ देंगे, एलसीएम छोड़ देंगे बराबर 26 गुना 91, एच सी एफ कितना है, एच सी एफ है 13, तो 13 गुना में तो गुना वाला भाग हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो इसको उठा के वहाँ कर दिए, तो 13 2 26 91 2 2 18 182 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एच सी एफ दिया हो रहा है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालना पड़े तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर में भी ऐसे ही है बना लीजिएगा, 20 नंबर भी ऐसे ही है, हैं कितना इकट्ठा क्वेश्चन करते रहे सेम इसी जैसे 19 20 बना लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर में कुछ ज़्यादा लंबा हिंदी लिखा हुआ दिख रहा है तो डराना नहीं है, पहले लिख देते ये दिया हुआ है 96 और 404 का महत्तम समापवर्त, भाई बतवा कहा महत्तम समापवर्त माने एच सी एफ दिया हुआ है 40, तो इसी का एलसीएम निकालना है, तो फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो वही करेंगे, एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर दोनों का गुणा, फिर से एच सी एफ 4 है तो 4 इधर जाके भाग होगा, 4 का 4 0 4 101 को 96 से गुणा कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, 22 नंबर भी वही है, 130 और 420 का दिया हुआ है महत्तम समापवर्त, तो वही एच सी एफ दिया हुआ, हिंदी से लिखा तो गड़बड़ाइएगा नहीं, वही क्वेश्चन। ठीक है, एच सी एफ दिया हुआ है, एलसीएम फिर से निकालना है, वही तरीका है ना जो अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छा, 23 नंबर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें घुमा दिया, ए लिख दिया इसमें, एच सी एफ, एच सी एफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
ए और आठ का, ए और आठ का 4 दिया हुआ, और एल सी एम जो है वो दिया हुआ है ए और आठ का 24। ठीक है, इसमें एल सी एम एस सी एफ दिया हुआ है, दोनों संख्या का गुणा में ए है वो संख्या दिख रहा है। तो ए मतलब कितना है, 10 है, 5 है, 15 है, 20 है, उसको हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं एच सी एफ गुणा एल सी एम बराबर होता है दोनों संख्या का गुणा। तो दोनों संख्या यहाँ एगो ए है एगो आठ है, तो दोनों का गुणा। अब एच सी एफ भी इसमें दिया है तो लिख दो, एल सी एम भी दिया है 24 सेल्सियम है तो लिख दो 24, कोई दिक्कत नहीं। 8 गुना में 3 आकर भाग होगा, ये निकालना था निकल गया, 8 16 8 दिया 24, तो 3 चौके 12 बराबर है, मतलब ए कितना हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 120 बराबर दिख रहा है 2 का पावर एक्स गुणा 3 1 गुणा 5 1, तो एक्स का मान निकाल। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया है, घबराना नहीं है। ठीक है, 120 को ऐसे गुणा गुणा में लिख दिया, बराबर गुणा में, मतलब क्या किया, 120 को तोड़ दिया गुणा में, मन भाई आभाज गुणनखंड कर दिया ऐसा, 2 6 12 2 0 0 2 3 6 2 0 0 2 15 30 और 3 5 15 3 5 15 यह नहीं किया है। तो देखिए 120 का क्या होता है, 2 3 को है तो 3 होता है गुणा 3 का पावर 1 को है तो 1 होता है, 5 का है 1 होते 1। तो देखिए यही चीज़ हुआ है, तो 2 का ऊपर एक्स लगा ले, मैंने एक्स में कितना पावर होगा, तो देखिए एक्स में 3 आया तो एक्स का हो गया 3। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाएगा, टिक लगाने वाला जो रहता है एमसीक्यू उसमें डायरेक्ट एकदम बहुत आसान क्वेश्चन नहीं रहता है ना, घुमा फिरा के रहेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा, ऐसा हल्के में नहीं लेना है कि टीक लगाने वाला तो आराम से हो जाए ना, टीके लगाने वाला छूटेगा क्वेश्चन, बनाने वाला आप बना लीजिएगा, लेकिन ये टीक लगाने वाला दिमाग को हैंग करके रख देगा कभी कभी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो बोला है कहा होगा, तो आर जो है, आर तो शेषफल है ना, तो शेषफल तो हमेशा ना जिससे भाग देंगे उससे छोट रहेगा। ठीक है, छोट रहेगा, जैसे 4 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा जो शेषफल आएगा, शेषफल ये 4 से छोटे आएगा, 4 से छोटा आएगा, है ना। तो इस शेषफल को आर बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है, तो ये शेषफल जो है हमेशा जो बी है जिससे भाग दे रहे हैं, बी लिख दिए, उससे छोटा आएगा, ये याद रखना है, तो याद करने वाली चीज़ है। 26 नंबर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो एल सी एम और एस सी एफ इसमें बोला है। हाँ, एस सी एफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एस सी एफ गुणा एल सी एम और ब्रैकेट में ए भी है, तो बराबर कहा होता है, तो दोनों संख्या को गुणा, तो ब्रैकेट में ए भी है तो दोनों संख्या ए भी है, तो ए भी का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बना है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ये परिमेय था 1.2, पूरा डिटेल समझाए थे, चैप्टर पढ़ाए थे उस समय, है ना, 1.2 या कुछ था, है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बोला है ना, इसी बात को बोला है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। एक धनात्मक पूर्णांक ए बराबर बोल रहा है 4q प्लस आर के रूप का है, तो आर क्या होगा, तो आर 4q प्लस आर के रूप का है, तो संख्या आर निम्न में से क्या नहीं है, तो आर क्या नहीं होगा, आर कितना नहीं हो सकता, आर माने का शेषफल ना है, तो आर शेषफल, इसमें शेषफल ये वाला भाग देने वाला रहता है, मैंने 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से कोई संख्या को भाग दे रहे हैं तो शेषफल तो कभी 4 नहीं हो सकता है, तो आर बराबर 4 नहीं हो सकता है ना, का नहीं हो सकता बोला, तो 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, 28 29, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। 27 22 लिख दिए थे। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं होता, विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं होता ये बोला है, तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, 6q+1 है तो ये तो विषम है नहीं होता, तो जो सम है वो आंसर होगा, 6q+2 है, तो ये विषम नहीं हो सकता क्योंकि ये सम है, लास्ट में देखना है शेषफल को देखना है, क्योंकि सम संख्या का शेषफल सम आता है, विषम का विषम। ठीक है, तो शेषफल इसका सम है, मतलब ये सम होगा, तो बोला कौन विषम नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता विषम, क्यों, क्योंकि ये सम है, सम संख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है, इसमें बोला हो सकता है, तो धनात्मक पूर्णांक 2q एक ऑप्शन है, इसके रूप का हो सकता है, बाकी मतलब देखिए एक में 1 है, दूसरा में भी 1 है, तीसरा में 3 है, तो ये सब विषम है, बोला सम, तो सम ऐसा हो सकता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या 4q+1 के रूप का होता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, तो ये 1 देखना है, लास्ट वाला देखना है, विषम है, तो विषम है, ये क्या है, विषम है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 32 नंबर कह रहा है एक धनात्मक संख्या 6q+5 का रूप का है, तो ये क्या होगा, तो वही लास्ट देखना है, विषम है, तो ये भी क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे,
32 हो गया और 8 क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा। कोई संख्या m है तो उसका विषम रूप क्या होगा, तो 2m प्लस 1 हो सकता है विषम रूप, जो कि चौथा ऑप्शन में है। बाकी बाकी वाला में बाकी m प्लस 1 जो है वो कोई गारंटी नहीं है। 2m प्लस 1 यानी 2 से भाग देंगे विषम संख्या को तो हमेशा एक शेषफल आता है ना, 2 को भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमेशा एक आता है, 2m प्लस 1 होगा। अच्छा m का सम रूप भी बोला है 34 नंबर। m कोई पूर्णांक है m, तो प्रत्येक सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप बोला है। तो सम संख्या कोई m पूर्णांक है तो सम संख्या 2, यानी सम संख्या को 2 से भाग देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचता है। इसका मतलब है कि कोई शेषफल नहीं, प्लस 1 2 रहे तो शेषफल 1 या 2 बच रहा है, ठीक है, तो कोई शेषफल नहीं बचेगा सम संख्या को 2 से भाग देने से। 35 नंबर क्वेश्चन, ये 5 प्लस 2√3 ये किस प्रकार की संख्या है। तो जहाँ पे भी रूट में रहे और ये रूट ना ही टूटे, रूट ना टूटे, रूट ब्रेक ना हो तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि रूट 3 नहीं टूट सकते इसको पूर्ण संख्या में। उसके बाद 36 नंबर फिर से है, 2√3 कैसा है, तो ये भी अपरिमेय है, ठीक है। 37 नंबर भी वही क्वेश्चन है का नहीं, प्रसार दशमलव पर, इसका दशमलव प्रसार कैसा बोला है, मैंने शांत होगा अशांत होगा कि क्या होगा वो बताना है। तो क्या बोले हैं, अगर नीचे 10 आ जाए तो शांत होता है, तो 10 आएगा कैसे पता चले, तो नीचे वाला का गुणनखंड कर देना है, नीचे वाला का गुणनखंड। अगर नीचे हर का गुणनखंड में 2 या 5 आवे, 2 या 5 या दोनों आए तो कह देना शांत है, अदरवाइज नहीं है शांत, ठीक है। तो 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 नीचे 4, 2 आ रहा है यानी 17/2 का पावर 3, तो 2 नीचे 4 है यानी 2 गुना 5, 5 ऊपर नीचे गुना करके 10 बना सकते हैं इसको, तो 10 बना सकते हैं यानी ये शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है, शांत है। तो नीचे अगर 2 या 5 आ जाए, 2 या 5 नीचे वाला गुणनखंड करेंगे, 2 या 5 आवे या दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए तो शांत, उसके अलावा कुछ भी आवे तो अशांत, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/15 इसका कैसा है, 3/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/15 6/15 है, 6/15 का तो वही 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 3 15 5 आया बुआ, लेकिन साथ ही साथ 3 भी आ गया, इसीलिए ये शांत नहीं हो सकता, लेकिन आंसर में शांति होगा, घबराना नहीं, गलत है, कभी कभी टाइपिंग गलत होता है ना, तो ये गलत लिख दिया, अशांत हो जाएगा, अशांत अशांत आवृत्ति हो जाए, है ना। अगर 3 आ रहा है, 3 में कहा है कि भाग देते हैं तो आते 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 रहेगा, आते रहेगा, है ना। अच्छा इसको काटने 3 2 6 3 5 अच्छा ये भी शांत है, कट रहा है इसलिए शांत है ना, 6/15 है, कटेगा तो पहले काट लीजिएगा, है ना। ऐसे देखने से 3 5 15 इसका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम 3 5 15 आ रहा है, 3 और 5 तब तो लग रहा है कि अशांत है, लेकिन ना अशांत है, कैसे कहीं कट रहा है, काट लीजिएगा पहले, 3 से कटेगा, 3 2 6 3 5 15 तो देखिए 2/5 आया, तो नीचे 5 है माने शांत है, ठीक है, नीचे 5 पहले है तो शांत है। 39 नंबर क्वेश्चन, कटेगा तो काट लेना है, नहीं तो फिर शांत अशांत में गड़बड़ाइएगा। जैसे 35/50 इसको काट लीजिए पहले, 5 से कटेगा, 5 से तो 35, 5 10 50 काट लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे 10 आया तो एकदम शांत है, पूरा पूरी शांत है, किसी प्रकार कोई हड़बड़ी नहीं। 2/3 23 और 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो ये अभी 2 और 5 पहले है सावल है 2 पावर में, तो ये भी शांत होगा, सब शांत क्वेश्चन है, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखिए एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, काम का लगा होगा। पूरा जितना भी क्वेश्चन बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर से MCQ आएगा, तो जितना जितना टाइप का बताएं कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन आएगा, इसीलिए पूरा देखिए ज़रूर, है ना, पूरा देखिए। काहे कि देखिए ऐसे भी अंदाजा लगाइए कि कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है मैथ में, और MCQ पूछा जाएगा 40 को, तो 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, यानी एवरेज लेके चलना होगा कि एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे भी MCQ बहुत सारा, कुछ कुछ ऐसा भी चैप्टर है जिससे कि MCQ बनता ही नहीं है, जैसे 9 चैप्टर से MCQ नहीं बन सकता है, तो वहाँ से माइनस करिएगा। फिर और भी ऐसा हमको लगता है 14 चैप्टर से भी MCQ नहीं बन सकता है, तो वहाँ से माइनस होगा। तो लगभग अगर का एवरेज भी निकालिएगा सभी चैप्टर का, तो यही 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएगा, है ना, MCQ खाली, बाकी लिखने वाला तो आएगा।
तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा एमसीक्यू को। लिखने वाला को अगर आप चैप्टर पूरा कंप्लीट जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ लिए होंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं पढ़ लिए होंगे, तो लिखने जो बनाने वाला है क्वेश्चन उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये वाला दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आज से शुरू कर दे रहे हैं, बढ़िया से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, जहाँ हो सके वहाँ अपलोड करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने प्रयास करें, ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी क्लास ले पाएंगे और लाइव भी ले पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।